हेलो व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग टू माय गाइस। सीन क्या है, सीन ये है कि बस निकल रहा हूँ कुछ काम है, अभी फ्रेश हुआ हूँ 1:30 पे, तो बस उधर जा रहा हूँ। क्या व्लॉग बना रहा हूँ आजकल समझ से बाहर है। तो सामान वगैरह उठा लिया है, तो निकले फिर। मैं सदियों से ढूंढ रहा था कि 3 मिल्क में मुझे कपकेक मिल जाए, और वो मिल गया, तो मैं ये खाऊंगा यार। किस्मत चेक करो, मेरी किस्मत अच्छी है यार। इन दोनों में से मेरे आपके सजेशन में कौन सी अच्छी है, चॉकलेट डबल चॉकलेट या चॉकलेट में से? डबल चॉकलेट अच्छी है। मार्ट से डबल चॉकलेट कर दें। क्या लगा दिए? यार मैं आके सो गया था, तो मुझे एक और पीआर आना था उनका, फिर आ गया, मुझे कॉल आ गई। तो यार तो ये इसमें जब फोन जो घुस रहा होता तो मुझे इतना गुस्सा आता है। नॉक कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप खुद ही लेके आके? मैं खुद ही लेके आ। चलें, थैंक यू, वेलकम। तो यार ये खाना आया है, अब इसको तो फौरन खाना पड़ेगा, सेटअप भी करना पड़ेगा। घर मैंने मेसअप किया पड़ा है, रात को ऐसे ही आके लेट गया था। ओहो, कुछ ज़्यादा ही मेस हो गया यार। ये बैग का सामान वगैरह निकाला था मैंने, सेटअप कर लिया मैंने। ज़रीस डेलिकेसी से मज़ेदार सा खाना आया है, साथ आए हैं गरम गरम नान। इसको ठंडा होने से पहले जल्दी जल्दी खा लेते हैं। बहुत मजे की है। मैं एक और अनबॉक्सिंग करनी, जो सुबह पार्सल आया था वो करके फिर मैं एंजॉय करता हूँ। सेकेंड पीआर इज दिस, आई रिसीव बाय द मार्केट प्लेस। जबरदस्त ट्रैक सूट भिजवाया है, तो हम इसकी भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अच्छा यार एक ना इशू है, कल आपने देखा होगा कि मैं 12-13-14 हज़ार की शॉपिंग करके लाया हूँ, तो वो रखने के लिए ना मेरे पास हैंगर्स नहीं है। तो अब मैं सोच रहा हूँ जाके हैंगर्स बाय कर, क्योंकि मेरी अलमारी में जगह तो है, ये इधर बहुत सारे हैंगर्स आ सकते हैं, लेकिन मेरे पास हैंगर्स नहीं है। और मैं हैंगर यार महंगे बड़े हो गए, नहीं तो मैं चाह रहा हूँ कि ये सब भी मैं हैंग कर दूँ, क्योंकि इधर भी हैंग्स हो सकते हैं। तो ये सब टी शर्ट्स अगर हैंग हो जाएंगी तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी रह जाएगा। तो मैं अभी जा रहा हूँ 2 दर्जन हैंगर ले आऊँ। हैंगर महंगे बड़े हैं यार, पिछली बार मैं गया था 700-800 दर्जन दे रहे थे। तो ये कुछ कपड़े तो मैं जो कल निकाले थे पहनने के लिए, वो उनको हैंग कर दूँ, बाकी फिर नए हैंगर लाता हूँ, नए कपड़े हैंग ही करूँ ताकि वो इस्त्री रहते हैं। मुझे मेरी पुरानी शर्टें फिर वो से ऐसी हो जाती हैं नहीं। तो चलो इनको मैं हैंग करके फिर मैं जल्दी से जाके नए हैंगर्स लेके आता हूँ। चलो यार चेंज कर लिए, शूज़ तो पहने ही नहीं है, ऐसे कैसे चला जाऊँगा? मतलब फ्रेश वगैरह हो गया हूँ, बस शूज़ पहन के निकल। मैं सोच रहा हूँ बाल भी थोड़ा सा लुक चेंज कराएं कुछ जाके, थोड़े लंबे हो गए तो थोड़ी सेटिंग बालों की भी चेंज करते हैं। शूज पहन लिए, वॉलेट, चाबियां, टिंग टॉन, एक्स्ट्रा लाइट ऑफ,
ये पूरी टाइमिंग पकड़ते हो आप बच्चे तो। किससे लड़ाई करके आए हो? लड़कियों से लड़ाई कर ली। बच्चे इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी। किन लड़कियों से लड़ाई कराए हो ये बताओ पहले। मैं लड़ाई करूं? मैं क्यों जाऊं? सो बाइक हमने लगा ली है और आगे हैं एक्स मैन सलून। पहले मैंने सोचा कि मैं कटिंग करा लूं फिर हैंगर लेता हूं, तो मैं आ गया हूं एक्स मैन, तो थोड़ा सा लुक तेरा फ्रेश करवाएं। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई। इंशाल्लाह बैठे हैं। शुएब भाई क्या करने लगे हैं आज बालों के साथ? चेंज कर रहे हैं इंशाल्लाह आपका, और हेयर कट के बाद ही आपको नजर आएगा कुछ। आज प्रॉपर हेयर कट मिलेगा जी। डन हो गया। स्प्रे पे लगी हुई है जरा, ये सब हो जाएगा, शैम्पू होगा पूरा प्रॉपर। बराबर में 8 & 8 है, बर्गर बहुत टाइट बनाते हैं ये। बर्गर तो मैं खाता नहीं, तो जो भी खाएंगे आप मिल जाएगा। चलो सो जैकेट हमने पहन ली है, हम निकले हैं। अच्छा बिल्कुल साथ ही है, वाह। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अच्छा बेस्ट क्या है आपके पास? बर्गर्स में या ब्रोस्ट में? बर्गर में भी और ब्रोस्ट में भी। ब्रोस्ट में हमारे सारे जो बर्गर्स हैं अमेरिकन बर्गर्स। अच्छा वेरी गुड, आप इसमें ट्राई कर सकते हैं पेपरोनी स्मोक्ड। मेन्यू तो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है आपका वैसे। ये हमारे बर्गर्स हैं प्रीमियम कैटेगरी, क्लासिक कैटेगरी है, तो ये सारे अमेरिकन बर्गर्स हैं, बाकी ये जिंगर्स हैं हमारे। नहीं आज अमेरिकन ही कुछ खाते हैं। चलो ये आप पेपरोनी वाला ही कर दो। पेपरोनी स्मोक चिकन में ठीक है। और एक ये कर दो, भले बन नहीं देना मुझे क्योंकि ब्रेड में खा नहीं रहा हूँ। पेपरोनी स्मोक भी आपकी चाहत में, बहुत पसंद आएगा। चलिए डन हो गया। खुशबू तो बहुत जबरदस्त लग रही है खाने की। और ये कौन सा बर्गर है? पेपरोनी स्मोकी। पेपरोनी स्मोकी, खुशबू तो बहुत जबरदस्त लग रही है यार। और नहीं मैं अपनी डाइट खराब कर ही लेता हूँ। बहुत अच्छा बर्गर लिटरली। दानिश भाई आपने फोर्स किया था मुझे ये बर्गर ट्राई करने के लिए, एंड ट्रस्ट मी मुझे ये बर्गर बहुत अच्छा लगा। ये डिप भी बहुत अच्छी। बेसिकली इसकी वजह ये है कि जितने भी आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं सारे हाई और प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। वेंडर्स के नेम तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता इसमें, लेकिन ये है कि जितने भी आप ब्रांड की जो चेन होती है, जो जो इंग्रेडिएंट्स और जितना मटेरियल यूज कर रहे हैं, ये एज कम्पेयर टू देम ये सेम। अच्छा
और प्राइसेस उनके मुकाबले में बहुत कम है। सही, तो ये वजह है कि लोग लाइक बहुत करते हैं। अच्छा मुझे बताएं ये बर्गर की क्या प्राइस है? बर्गर की ये प्राइस अभी 450 है। 450 इसकी प्राइस है, रोज की प्राइस 340 है। अच्छा 340, सही यार, प्राइस भी सही है, ज़बरदस्त है माशाल्लाह। मैंने बर्गर खाना नहीं था पर खा गया मैं। पेपरोनी स्मोकी इतना कोई मुझे मज़े का लगा एंड ट्रस्ट मी बहुत मज़े का। इनकी डिप भी बहुत अच्छी है, मतलब खाना माशाल्लाह बहुत प्रीमियर लेवल का है। तो लाजमी है लुत्फानंदोज़ हुए। डन विद माई फूड एंड अनएक्सपेक्टेडली इतना एक्सट्रीमली अमेजिंग बर्गर खाने को मिल गया। घर से निकला था हैंगर लेने। लाइफ देखें आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। लाइफ इज टोटली अनप्रडिक्टेबल और आपको नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं और अगले दिन आपके साथ क्या होगा। तो मेहनत करते रहे, बहुत ही मजे का लगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आपका कोई और बर्गर ट्राई करूंगा। कौन सा सजेस्ट करेंगे अगली बार बर्गर? शिकागो जा नहीं रहा हूँ, इधर ही आके शिकागो का बर्गर खाएंगे। निकल रहा हूँ अब, जो हैंगर लेने निकला था मुझे लगता है हैंगर ले सकता हूँ मैं, क्योंकि टाइम देखें। चले शोएब भाई, अल्लाह हाफिज। ऐसे यार बर्गर लिटरली बहुत मज़े का था, आप भी अगर ट्राई करना चाहते हैं तो ये बाकी आए, बहुत मज़े का बर्गर था। सो घर आ गए, चाबियां कहाँ? पल पल तेरी याद मुझे तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी, मुझको इस हाल में जो तुम छोड़ के जाओगी, कहता हूँ रोज बड़ा पछताओगी। टिंग टोंग, किधर घूम रहे हो? बस घर से निकल के। डिप्रेशन लग रहा है तुम्हें? कोई हो गया, कोई टेंशन तो नहीं है कोई? तुम तभी क्यों आते हो जब मैं कहीं जाने लगता हूँ? देखो सॉक्स पहन रहा था मैं जाने के लिए। किधर जा रहे? कहीं तो जाऊंगा, बताओ। मुझे खुद नहीं पता, बस निकल जाता हूँ मैं ऐसे ही गुमनाम रास्तों में। कब तक आएंगे? जब तुम बोलो। क्या करना है? आ जाए फिर बैट बॉल खेलते हैं। डन हो गया, बैट बॉल खेलते हैं। ठीक है।